फाइनली टाटा ने अपनी गाड़ी टाटा पंच लॉन्च कर दी है। गाड़ी दिखने में बिल्कुल मिनी नेक्सॉन की तरह आपको नज़र आती है। अगर हम गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट से दिखने में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आपको स्टाइलिश नज़र आती है। आपको इसमें LED हेडलैम्प और LED DRLs का सेटअप आपको देखने को मिलता है, जो आपको अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव नज़र आने वाला है। इसमें आपको 16 इंचेस के आपको टायर साइज़ देखने को मिलता है। अगर हम इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको इसमें 37 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। गाड़ी में टाटा की सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि आपको ट्राई एरो शेप की देखने को मिलती है। सेम डिज़ाइन है उन्होंने LED लाइट पर भी देखने को मिलता है। आपको ट्राई एरो शेप में आपकी LED टेल लाइट देखने को मिलती है, जो आपके ओवरव्यू में आपको ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ देखने को मिलता है विद LED इंडिकेटर के साथ। अगर हम गाड़ी के ओवरऑल लुक की बात करें तो गाड़ी दिखने में बहुत ही ज़्यादा आपको स्टाइलिश नज़र आने वाली है। जो अगर हम गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो आपको 187 mm की इसकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। आपको इसमें ऑटो हेडलैम्प का फीचर गाड़ी में देखने को मिलता है, विद आपको इसमें फोग लैम्प का ऑप्शन भी दिया है, जो कि आपको हैलोजन बल्ब के साथ देखने को इसमें मिल जाता है। अगर हम गाड़ी के सेफ्टी फीचर की बात करें तो आपको इसमें 2 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम ब्रेकिंग फीचर की बात करते हैं तो आपको इसमें ABS EBD जैसे फीचर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी ब्रेकिंग पावर को एनहांस कर देते हैं। आपको गाड़ी में 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, जिनका डिज़ाइन दिखने में बहुत ही औसम नज़र आता है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है, ब्लैक और व्हाइट कलर का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सेम ही आपको टाटा एल्ट्रोजर जैसे टाटा की गाड़ियों में आता है वैसे ही आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर रियर की बात करें तो आपको सेंटर में इसमें आर्म रेस्ट की आपको देखने को मिलता है, जो आपके हेड रेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल। आपको गाड़ी में फैब्रिक सीटों का ऑप्शन देखने को मिलता है, उन पर भी आपको ट्राई एरो की बैजिंग आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। आर्म रेस्ट पर आपको कोई भी कप होल्डर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती। गाड़ी के इंटीरियर में अगर हम गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो आपको इसमें लेदर फिनिशिंग के साथ डी शेप में आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। साथ ही आपको इसमें क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन और आपको MID के कंट्रोल्स और आपके वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी का गियर नोब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देने वाला है। आपको लेदर फिनिशिंग के साथ आपको गियर नोब देखने को मिलता है, साथ ही आपको इसमें ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ भी इस्तेमाल इसमें देखने को मिल जाता है। जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपको 7 इंचेस देखने को मिलता है, जो कि आपको सेमी डिजिटल है। राइट साइड आपका स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आपका RPM मीटर देखने को मिलता है। इसमें आपको 366 लीटर का आपको बड़ा सा इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपना आराम से लगेज कैरी कर सकते हैं। जो गाड़ी के डोर हैं वे आपको 90 डिग्री के साथ ओपनिंग के साथ मिलते हैं, जिसमें आपको गाड़ी में एंट्री एग्जिट करने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। टाटा पंच के इंजन ऑप्शन की बात करें तो आपको इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर आपको इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपकी पावर प्रोड्यूस करता है 63 PS की। और आपको जो टॉर्क देखने को मिलता है गाड़ी से 113 Nm का आपको टॉर्क देखने को इसमें यहाँ पे मिल जाता है। टाटा पंच आपको 7 कलर वेरिएंट के साथ अवेलेबल है, जो कि है टोरेंडो ब्लू, क्लिप्सो रेड, मिट्योर ब्रॉन्ज, ऑटोमिक ऑरेंज, ट्रॉपिकल मिस्ट, डेटोना ग्रे और कस वाइट। ये आपको 7 कलर वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिलती है। टाटा पंच की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको पता है टाटा की गाड़ियाँ बहुत ही आपको सेफ़ मानी जाती हैं। अगर हम इसके ओवरऑल रफ एंड टफ लुक की बात करें तो टाटा पंच आपको बहुत ही ज़्यादा आपको ऑफ रोडिंग करती हुई नज़र आती है। आपको गाड़ी में 370 mm वाटर वेडिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, जिससे आपकी पानी में गाड़ी आराम से चल सकती है। जो अगर हम इसके ट्रैक्शन कंट्रोल मोड की बात करें तो आपको इसमें प्रो ट्रैक्शन कंट्रोल मोड देखने को मिलता है, जो कि एक एडवांस लेवल फीचर है, जिससे आपकी गाड़ी कहीं भी मड़ी या एरिया में कहीं भी नहीं फंसेगी, आप आराम से गाड़ी आपकी निकल जाएगी। गाड़ी की अगर टच स्क्रीन की बात करें तो आपको हरमन की आपको 7 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले जैसे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। आपको गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल के साथ साथ 2 ड्राइविंग मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि है सिटी एंड इको मोड। इको मोड में आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है। अगर हम इसके रियर की बात करें तो आपको इसमें फ्लैट रियर फ्लैट फ्लोर देखने को मिलता है, जो कि आप
जो मिडिल पैसेंजर उसको बैठने में कोई भी परेशानी नहीं होती गाड़ी में, कंफर्टेबली वो आराम से बैठ के जा सकता है। ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ देखने को मिलता है, वहीं पे आपको इसमें कूल ग्लव बॉक्स का फीचर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जो आपका एसी है वो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ देखने को मिलता है, और इसके साथ ही आपको गाड़ी में IRA कनेक्टेड कार फीचर भी आपको देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप गाड़ी की हेल्थ या फिर आप AC कंट्रोल्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। उससे आपको गाड़ी में कनेक्टेड कार फीचर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि आपके ड्राइविंग को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं। आपको इसके साथ ही गाड़ी में वॉइस कमांड का फीचर भी देखने को मिलता है, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको सपोर्ट करता है। गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरे भी आपको गाइडेंस के साथ देखने को यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपकी ओवरऑल ड्राइविंग को हैसल फ्री बना देता है। आपको जो एक और गाड़ी में यूनिक फीचर देखने को मिलता है वो है ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर। जैसे बारिश हो गया आपके वाइपर्स ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देंगे। इस रेंज में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर मिलते हैं जो कि आपकी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा आपके वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। भाई ये तक था हमारा टाटा पंच गाड़ी का छोटा सा रिव्यू। हम आपके लिए जैसे ही गाड़ी लॉन्च होगी हम आपके लिए गाड़ी का पूरा डिटेल वीडियो भी गाड़ी का लेके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।